अगर आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन की वर्जन को बढ़ा लिए हैं या फिर इंक्रीज कर लिए हैं, तो इस समय आप चाहते हैं कि उस इंक्रीज किया हुआ वर्जन को फिर से आप अपने स्टॉक रूम में कैसे लौटा जा सकता है, तो इसके लिए आपको सबसे पहले दो फाइल्स डाउनलोड करना पड़ेगा। एक फाइल्स का है नाम है ओडिन और दूसरा फाइल जो है वो आपके एंड्रॉयड फ़ोन के मुताबिक होना चाहिए। जैसे कि मेरा सैमसंग गैलेक्सी डोज है, मैंने पिछले एक वीडियो में कहा था कि आप अपने 2.3.6 वर्जन को लॉलीपॉप में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको फिर से लॉलीपॉप से अपने जो 2.3.6 वर्जन है उस पर कैसे लौटा जा सकता है मैं आपको बताऊंगा। अगर आप भी जानना या फिर सीखना चाहते हैं तो फिर ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिए। सबसे पहले आपको एक ओडिन सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगा, तो वहाँ से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं या फिर आप गूगल पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं। और दूसरा फाइल जो है वो एंड्रॉयड फ़ोन के मुताबिक है, मेरा है सैमसंग गैलेक्सी वाइडोज, तो उसका फाइल मैं पहले से डाउनलोड कर चुका हूँ। तो अगर आप वो फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि उस फाइल के ज़रिए कैसे फिर से वही वर्जन में कैसे लौटा जा सकता है। तो सबसे पहले आप इस दो फाइल को डाउनलोड कीजिए। उसके बाद सबसे पहले आप अपने जो फ़ोन है उसका आप शट डाउन कर दीजिए, सिंपली आप अपने फ़ोन को पावर ऑफ कर दीजिए। पावर ऑफ करने के बाद आप सिंपली वॉल्यूम डाउन, उसके बाद होम बटन और पावर बटन को एक साथ प्रेस कीजिए। उसके बाद यहाँ पर देखिए वॉल्यूम अप कंटिन्यू और उसके बाद है वॉल्यूम डाउन कैंसिल रिस्टार्ट फोन। तो सिंपली आप कंटिन्यू कीजिए वॉल्यूम आप प्रेस करके। उसके बाद आप अपने पीसी के ऊपर जाइए एंड देन वहाँ पे जो ओडिन फाइल है, ओडिन सॉफ्टवेयर है, उसको आप सिंपली ओपन कीजिए। चलिए मैं सिंपली ओडिन सॉफ्टवेयर जो है मैं इसको ओपन कर देता हूँ। ओपन करने के बाद आपका जो केबल है उस केबल को आप अपने एंड्रॉयड फ़ोन में इंसर्ट कर दीजिए। मेरा जो USB पोर्ट है मैं इसको एंड्रॉयड फ़ोन के साथ कनेक्ट कर दिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं COM7 यानी कि मेरा जो USB है बिल्कुल कनेक्टेड है। उसके बाद यहाँ पर देखिए बूट लोडर PDA फोन CSC 4 ऑप्शन है, तो सिंपली इसके ऊपर क्लिक कीजिए और बूट लोडर का जो फाइल है उसको आप चूज़ कर लीजिए। चलिए यहाँ पर देखिए बूट ऑप्शन है, उसके ऊपर क्लिक करके मैं इसको ओपन कर देता हूँ। उसके बाद सिंपली PDA पर क्लिक कीजिए। PDA के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देखिए PDA ऑप्शन है, तो उसके ऊपर क्लिक कीजिए और उसको भी सिलेक्ट कर लीजिए। उसके ऊपर सिलेक्ट करने के बाद सिंपली फ़ोन के ऊपर जाइए। फ़ोन के ऊपर जाने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मॉडेम ऑप्शन है, तो सिंपली मॉडेम का चूज़ कर लीजिए। उसके बाद सिंपली ओपन, उसके बाद CSC ऑप्शन है उस क्लिक कीजिए और यहाँ पर देखिए CSC जो फाइल है तो सिंपली उसको भी आप चूज़ कर लीजिए। अभी आप देख सकते हैं मैं CSC फाइल जो है मैं इसको चूज़ कर लिया हूँ। उसके बाद आप सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कीजिए। अभी आप देख सकते हैं मैंने स्टार्ट पर कर दिया हूँ। यहाँ पर देखिए बूट ऑप्शन आ रहा है और मेरा जो फ़ोन है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि डाउनलोडिंग स्टार्ट हो गया है। यहाँ अभी आप देख सकते हैं PC के ऊपर मेरा सिस्टम इंस्टॉल हो रहा है। मेरा जो पहले वर्जन था 2.3.6 उस वर्जन का जो सिस्टम फाइल है अभी वो इंस्टॉल हो रहा है, यानी कि लोड हो रहा है। अब थोड़ा टाइम वेट कीजिए। अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल पास हो गया है और मेरा जो फ़ोन है अभी रिबूट हो रहा है। तो सिंपली आपका जो डेटा केबल है उसको आपको आप निकाल लीजिए। अभी आप देख सकते हैं मेरा जो फ़ोन है रीबूटिंग होने के लिए आ रहा है। अभी आप देख सकते हैं सैमसंग गैलेक्सी वाइडोज योंग GTS 6102 का जो लोगो है यहाँ पर आ रहा है। अब थोड़े टाइम वेट कीजिए। अभी आप देख सकते हैं सैमसंग की जो एनिमेशन है यहाँ पर आ चुका है। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पर एंड्रॉयड की लोगो आ गया है
उसके ऊपर टच कीजिए एंड देन अगर आपके पास वाईफाई है तो आप कनेक्ट कर सकते हैं अब, या फिर आप सिंपली इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद सिंपली नेक्स्ट, आप इसका जो सेटिंग्स है आप इसको सेटिंग को डायरेक्ट पूरा कर लीजिए। मैं इसको स्किप कर देता हूँ सारी के सारी। अभी आप देख सकते हैं मेरा जो एंड्रॉयड वर्जन 2.3.6 अभी वो यहाँ पर इंस्टॉल हो चुका है। तो चलिए मैं सेटिंग्स पर जाकर मैं आपको दिखा देता हूँ कि मेरा जो वर्जन है वो क्या है। तो सिंपली अबाउट फोन पे गया एंड देन एंड्रॉयड वर्जन हो वो है 2.3.6। अभी आप चेक कर सकते हैं। मेरा जो वीडियो क्वालिटी है थोड़ा लो है तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ पहले से ही। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्कुल 2.3.6 वर्जन इंस्टॉल हो चुका है। तो इस प्रोसेस की मदद से आप अपने कोई भी एंड्रॉयड फ़ोन की जो वर्जन है अगर आप उस वर्जन को बढ़ा चुके हैं तो फिर से आप वही वर्जन में लौट सकते हैं, वही वर्जन आप इंस्टॉल कर सकते हैं। आई थिंक आपका वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। अगर आपके वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए और उसके साथ साथ और भी इस तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगले वीडियो में अपना ख्याल रखिए।